गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 50 के नीचे आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को 24 घंटे के अंदर केवल 43 नए मरीज मिले हैं, जबकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना संक्रमित मरीज 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 19,911 पहुंच गया है। इनमें 19,136 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 321 हो गई है। वहीं ज़िले में एक्टिव केस की संख्या 454 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जाँच रोजाना 3,000 से 4,000 के बीच है। एंटीजन और आरटीपीसीआर की जांच में भी ज़्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं, यह बेहद सुखद है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 लोग की जांच भी लगातार की जा रही है। बृहस्पतिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 19 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 6 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा रामगढ़ ताल और राजघाट में 1-1, कोतवाली में 2, गोरखनाथ में 4 और शाहपुर थाना क्षेत्र में 5 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 17 नए मरीज मिले हैं। इनमें ब्रह्मपुर, कौड़ीराम, कैंपियरगंज और खजनी में 1-1, पाली में 2, चरगावां और सहजनवा में 3-3, खोराबार में 5 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 7 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज़्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।